दिल्ली में हिंसक घटनाओं व होली त्योहार के मद्देनजर भदोही की सड़कों पर एहतियात के तौर पर आईजी के नेतृत्व में रूट मार्च किया गया। दिल्ली में सीएए को लेकर हिंसक घटनाओं के मद्देनजर गुरुवार को कालीन नगरी में आईजी पीयूष श्रीवास्तव ने विभिन्न प्रमुख मार्गों सहित आधा दर्जन से अधिक मोहल्ला में रूट मार्च कर शांति व्यवस्था में सभी से सहयोग की अपेक्षा की। आईजी के नेतृत्व में रूट मार्च कोतवाली से होते हुए स्टेशन रोड, पीर खानपुर, काजीपुर, निजामपुर, निजामपुर रोड, मच्छरहट्टा गली से मेन रोड अजीमुल्ला चौराहे तक भ्रमण हुआ। आईजी ने कोतवाली में एसपी रामबंदन सिंह, एएसपी व सीओ भूषण वर्मा, कोतवाल श्रीकांत राय सहित पुलिस प्रशासन संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। शहर की शांति व्यवस्था बहाल रहे सभी अधिकारी से विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, अमित सिंह की खास रिपोर्ट। प्रशासन को उसकी जानकारी दे जिससे दोषी कार्रवाई पुलिस कर सके। अभी होली का भी त्यौहार आ रहा है, मैं आपसे माध्यम से इस पब्लिक से ये अनुरोध करूंगा कि होलिका ऐसी जगह जलाई जाए जहाँ को लेकर कुछ जैसे बिजली का तार है, केबल है, वो न जल जाए, या आसपास छप्पर के मकान हो कि होलिका से उसके आग न लग जाए। इन सबका एहतियात रखें। और बहुत से परिवार ऐसे होते हैं, हिंदुओं में ऐसे परिवार होते हैं जहाँ गमी हो गई होगी लास्ट साल भर में, वो लोग होली नहीं खेलते हैं। तो जो लोग होली खेलने से परहेज रख रहे हों उन पर अनावश्यक ज़बरदस्ती रंग न डाला जाए। मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से समस्त भदोही पब्लिक से। रोड मार्च के साथ आपने भदोही शहर को कैसा अनुभव किया सर, कैसा महसूस किया आपने? भदोही एक बहुत पुराना शहर है और बहुत शांतिप्रिय शहर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही आगे भी शांतिप्रिय रहेगा। ठीक।